केमिकल हजार्ड। अब केमिकल हजार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है जब भी वर्कर जो है वो एक्सपोज होता है उसके वर्क प्लेस में किसी भी केमिकल प्रिपरेशन के वक्त, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ जो वर्कर्स है वो सेफर होते हैं देन अदर्स, लेकिन कुछ जो वर्कर्स है वो ज्यादा सेंसिटिव है केमिकल्स के रिगार्डिंग। यहाँ तक कि कुछ जो कॉमन सोल्यूशंस है उसकी वजह से इलनेस, स्किन इरिटेशन या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आपको जो है हमेशा सावधानी बरतनी है जब भी कोई लिक्विड जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो, पेंट्स हो, एसिड्स हो या फिर सॉल्वेंट्स हो, और खास तौर से जब कोई केमिकल्स जो है वो अनलेबल कंटेनर में हो। फिर उसके बाद है कि वेपर्स हो या फिर फ्यूम्स हो जो वेल्डिंग या फिर एक्सपोजर जो सॉल्वेंट्स है उससे निकलता हो। फिर उसके बाद है कि हमें सावधानी बरतनी है गैसेस की भी, जैसे कि एसिटिलीन हो, प्रोपेन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर हीलियम हो। फिर उसके बाद है कि फ्लेमेबल जो मटेरियल्स है जैसे कि गैसोलीन, सॉल्वेंट्स या फिर एक्सप्लोजिव केमिकल्स, और फिर उसके बाद है पेस्टिसाइड्स। तो इन सभी से जो है हमें सावधानी बरतनी है।